हेलो चिल्ड्रेन, टुडेज आवर टॉपिक इज फाइट मंजू फाइट चैप्टर 4 फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर बुक ऑफ डीएबी क्लास 7। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर हैं मंजुला पारेकर, जो एक स्पेशल चाइल्ड है, और उसकी माँ मिसेस पारेकर, मिसेस स्मिता पारेकर उसे कहती हैं फाइट मंजू फाइट। अब ये कैसी फाइट है ये तो स्टोरी पढ़ने पर ही हमें पता चलेगा। इस स्टोरी में मंजू और मिसेस पारेकर को छोड़ के भी हैं उसके पापा मिस्टर पारेकर और मंजू का भाई अमोल। और इस कहानी में दो और कैरेक्टर्स के नाम आते हैं, उनमें से एक का नाम है हुसैन, जो जाने जाते हैं एमएफ हुसैन के नाम से, और जिनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। He was one of the most celebrated and internationally recognized Indian artist of the 20th century. गजगामिनी इनकी एक फेमस पेंटिंग है। इनकी पेंटिंग्स की कीमत आज भी करोड़ों में है। और दूसरा नाम आता है रिज बिलिंगर का, जो कि एक फेमस सॉकर प्लेयर हैं। वो अपने आर्टिफिशियल फीट से खेलते थे। सो वी सी देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। मंजुला पारेकर, हिज मदर मिसेस पारेकर, हिज फादर मिस्टर पारेकर, एंड हिज यंगर ब्रदर अमोल पारेकर। एंड द स्टोरी फाइट मंजू फाइट इज रिटन बाय सिगरुन श्रीवास्तव, हु इज एन इंडियन ऑथर ऑफ जर्मन ओरिजिन। सिगरुन श्रीवास्तव एक इंडियन ऑथर हैं जो जर्मन ओरिजिन की हैं। सी इज़ ए मल्टी फेस्ड आर्टिस्ट, अ राइटर, अ स्कल्प्टर एंड एन इलस्ट्रेटर। उनमें बहुमुखी प्रतिभा देखी जाती है। वो एक राइटर हैं, एक स्कल्प्टर हैं और एक इलस्ट्रेटर भी हैं। सी हैज़ रिटन ओवर 25 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस। उन्होंने हर एक उम्र के बच्चों के लिए 25 बुक्स लिखी हैं। हर स्टोरीज फॉर 12 to 14 ईयर्स ओल्ड डिस्प्ले अ रेयर सेंसिटिविटी टुवर्ड द फीलिंग्स, ड्रीम्स, जॉयज एंड फियर्स ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ दैट एज। उन्होंने 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो किताबें लिखी हैं, जो स्टोरीज लिखी हैं, उनमें उन बच्चों के फीलिंग्स, ड्रीम्स, जॉयज और फियर्स को दर्शाया गया है। वन ऑफ हर मोस्ट पॉपुलर बुक्स इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ इन व्हिच She has brought together true life stories from all over the world. उनकी जो मोस्ट पॉपुलर बुक है वो है A Moment of Truth, जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया में से ट्रू लाइफ स्टोरीज को कलेक्ट किया है, लिखा है। सिगरुन्स राइटिंग्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्शियसनेस, एज इज एविडेंट फ्रॉम हर कंसर्न अबाउट इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, द प्लाइट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड पॉवर्टी। सिगरुन की राइटिंग कुछ अलग हटके हैं, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्शियसनेस दिखाई पड़ता है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में और पॉवर्टी के बारे में। सी हैज़ आल्सो रिटन स्क्रिप्ट्स फॉर चिल्ड्रन फिल्म फॉर बोथ टेलीविजन एंड सिनेमा। उन्होंने टेलीविजन और सिनेमा दोनों के लिए बच्चों की फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हैं। नाउ लेट्स कम टू द टेक्स्ट। Now read the story of a young girl, Manju, who does not let adversities hamper her ambitious spirit. इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटी लड़की मंजू के बारे में, जो प्रतिकूल परिस्थिति को अपने महत्वाकांक्षा के आड़े नहीं आने देती है। मंजुला पारेकर knew she was no Hussein. She could never be, not with those hands of hers. Those claw-like malformed fingers. मंजुला पारेकर को पता था कि वो कोई हुसैन नहीं है, वो कभी बन भी नहीं सकती थी अपने पंजों जैसे मुड़े हुए उंगलियों को लेके। वायर हैंड्स टू, wasn't it enough that her feet were deformed, ending in two massive moon-shaped toes pointing at each other, the hardness touching, grating against each other whenever she wore wrong shoes. क्यों उसके हाथ भी ऐसे हैं, यही क्या काफ़ी नहीं था कि उसके पांव टेढ़े मेढ़े थे। जब भी वो गलत जूते पहनती थी तो उसके मुंह से टोज आपस में रगड़न खाने लगते थे।
your wrong shoes most of the time, for there were not any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. वो फिर भी ज़्यादातर समय ही गलत जूते पहनती थी, क्योंकि मार्केट में उसके क्लम्जी यानी अनाड़ी पाँव के लिए कोई सॉफ्ट जूते ही नहीं थे. हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट सी डिडंट माइंड देम सो मच. सी कुड हाइड देम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज, बट सी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स. कुड सी? ज़्यादातर उसके पाँव में चोट लग जाती थी, पर वो माइंड नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने इन पाँव को ऑर्डर से बनाए हुए भद्दे जूतों से ढक सकती थी, लेकिन वो अपने हाथों को नहीं छुपा सकती थी. फिर छुपाए तो कैसे? मंजुला पारेकर न्यू सी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन, बट सी कुड लर्न टू पेंट वेल. हैंडलिंग ब्रशेज वर नो प्रॉब्लम, दे डिडंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल. हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल सी वुड नीड. मंजुला पारेकर को पता था कि वो कभी हुसैन के जैसे पेंटिंग नहीं कर सकती, लेकिन वो अच्छे से पेंटिंग बनाना सीख सकती हैं. ब्रश को हैंडल करना, ब्रश को पकड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ब्रश और पेंटिंग के बीच उसे कोई फर्क नहीं लगता था. लेकिन उसकी प्रॉब्लम थी, उसकी समस्या थी, उसके पेंटिंग्स करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी उनके दाम. मम्मी, सी आस्क्ड वन इवनिंग वाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर, डू यू थिंक आई कुड. सी पॉज्ड नर्वसली. आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो. एक दिन वो डिनर यानी रात के खाने के बाद अपनी मम्मी को किचन में मदद करते हुए कहती हैं कि आपको लगता है कि मुझे. फिर वो घबरा के रुक जाती हैं और फिर बोलती हैं कि क्या कल मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं. व्हाट डू यू नीड इट फॉर, आस्क्ड हर मदर जेंटली रिंसिंग द डिशेस. For ice cream, answered her brother from the door with an impish grin. Thumping the door with the palm of his hand, he chanted, "We want ice cream, why we want ice cream." Ignoring him, her mother repeated, "Why do you need the money, Manjula?" उसकी मम्मी ने बर्तन धोते हुए उसे धीरे से पूछा, पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? आइसक्रीम के लिए. उसका भाई शरारती हंसी हंसते हुए बीच में ही बोल पड़ा और फिर दरवाजे को अपने हाथों से जोर जोर से बजाने लगा और बार बार बोलने लगा, हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए. उसकी बात को अनसुना करते हुए उसकी माँ ने फिर से पूछा, मंजुला तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? फॉर कलर्स एंड पेंट्स, आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग. पेंटिंग? आस्क्ड हर मदर अनबिलीविंगली. बट यू सी एडेड क्विकली, ऑफकोर्स इट्स अ नाइस हॉबी. It will be more than a hobby, replied Manjula quietly. Manjula घबराते हुए कहती है, कलर्स और पेंट्स खरीदने के लिए, क्योंकि मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ. पेंटिंग? फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन तुम. मतलब एक सेकेंड के लिए उनका दिमाग मंजू की फिजिकल डिसेबिलिटी की तरफ गया, वो कैसे कर पाएगी. लेकिन फिर उन्होंने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, जरूर, पेंटिंग तो एक बहुत ही अच्छी हॉबी है. मंजुला ने धीरे से कहा, ये हॉबी से कुछ ज़्यादा ही होने वाली है. मिसेस पारेकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली. सी गेज लॉन्ग इनटू दोज सीरियस मेलंकोलिक आईज. क्लोजिंग द टैप, सी वॉक्ड ओवर टू द किचन कपबोर्ड एंड पुल्ड आउट एन ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट सेल्फ. मिसेस पारेकर यानी मंजुला की मदर अपनी बेटी को ध्यान से देखने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ तलाश कर रही हों. वो उसके गंभीर और उदास आँखों के अंदर देर तक ताकते रहीं. नल बंद करके वो किचन में कपबोर्ड के पास चली गई और उसमें सबसे ऊपर वाले सेल्फ से एक अलंकृत मेटल टी बॉक्स निकाला. माई पिगी बैंक, सी स्माइल्ड, डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस. देन सी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुलास हैंड्स. Go ahead and buy whatever you need, dear. Have fun and show me the painting. ये मेरा पिगी बैंक है, और हंस के बोली, इसे छुपाने की जगह किसी को बताना मत. फिर उन्होंने कुछ नोट मंजुला के हाथों में रख दिए और कहा, जाओ मंजुला और तुम्हें जो चाहिए खरीद लो, मौज करो और मुझे अपनी पेंटिंग दिखाना. मंजुला पारेकर सोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे. मंजुला
क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन सरप्राइज, वाई दैट इज ब्यूटिफुल। दूसरे ही दिन मंजुला पारेकर ने अपनी पहली पेंटिंग अपनी माँ को दिखाया। उसकी मदर तब कुछ नीडल वर्क कर रही थी। उसको रखते हुए उसकी माँ ने आश्चर्य होकर कहा, मंजुला ये तो बहुत सुंदर है। आई डिडंट नो यू आर दिस गुड, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती हो। डू यू रियली थिंक सो, आस्क्ड मंजुला डाउटफुली। ऑफकोर्स डियर, सी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, इट लुक्स परफेक्ट। ओ माँ, क्राइड मंजुला प्लीज्ड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई विल पिक अप फास्ट। मंजुला अपनी माँ से डाउटफुली पूछती है कि आपको सचमुच ये लगता है। तब उसकी माँ वाटर कलर पेंटिंग को अपने हाथ में पकड़ के ध्यान से देखते हुए कहती है, बेशक ये एकदम परफेक्ट है। मंजुला खुश होकर कहती है, ओ माँ ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं जल्द ही इससे भी अच्छी पेंटिंग बनाऊंगी। आई एम श्योर यू विल, हर मदर रिटर्न द पेंटिंग, यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड। मुझे पूरा विश्वास है, ये बोलते हुए उसकी मम्मी उसको पेंटिंग वापस देती हैं, तुम्हें इसे अपने पापा को ज़रूर दिखाना चाहिए, वो इम्प्रेस हो जाएंगे। मिस्टर पारेकर पुश्ड हिज ग्लासेस अप एंड ग्लांस्ड एट मंजुलाज वर्क, वेल डन, वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, सी सी व्हाट ऑल यू कैन डू। इवन दो ही डिडंट लुक एट हर हैंड, दोज क्लॉ लाइक मैलफॉर्म्ड फिंगर, सी न्यू व्हाट ही मीन्ट। सी स्वालोड ड्राइली, समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली, सी न्यू द पेन, सी वॉज यूज टू इट, कीप इट अप। हर फादर पैटेड हर, सेटलिंग इन हिज फेवरेट चेयर विद द न्यूज़पेपर, ही इंक्वायर्ड, इज द टी रेडी। मिस्टर पारेकर ने अपना चश्मा उठाते हुए और मंजुला के पेंटिंग की ओर देखते हुए कहा, अच्छी है, अच्छी है, एक अच्छी पिक्चर है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। भले ही उन्होंने उसकी हाथों की ओर, उसके टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की ओर तरफ नहीं देखा था, पर मंजुला को पता था वो क्या कहना चाहते हैं। उसके अंदर को कुछ कचोट रहा था, पर यह दर्द उसके लिए नया नहीं था, उसे इसकी आदत थी। उसके पापा अपनी पसंदीदा चेयर में न्यूज़पेपर लेके बैठे और फिर मंजू की पीठ थपथपाई। फिर उन्होंने पूछा, क्या चाय बन चुकी है? वाई डोंट यू फ्रेम इट, क्राइड हर ब्रदर अमोल, स्नैचिंग द सीट फ्रॉम मंजुलाज हैंड्स। और वाई डोंट यू सेल इट, रेजिंग इट ओवर हिज हेड, ही इमिटेटेड एन ऑक्शनर, 2,000 rupees, हु बीट्स मो, 2001, 2002। अमोल मंजुला के हाथ से पेंटिंग छीनते हुए चिल्लाया, तुम इसे फ्रेम क्यों नहीं करवाती, या फिर तुम इसे बेच सकती हो। उसने पेंटिंग को सर से ऊंचे में उठाया और एक ऑक्शनर का अभिनय करने लगा, 2,000 rupees ये, मतलब इस तरह से बोली लगाने लगा। बच्चों आपने मूवीज में देखा होगा कि किस तरह से प्लॉट्स, बंगलोस, कार्स की ऑक्शन होती है, यानी बोली लगाई जाती है। कौन इससे ज़्यादा की बोली लगा सकता है, 2001, 2002, इस तरह से वो बोली लगाने लगा। अमोल, हिज मदर वार्न्ड हिम, पुट दैट पेंटिंग डाउन एट वंस, टेल मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। द वर्ड होमवर्क वाज इनफ टू सोबर अमोल, ही क्रेप्ट टू हिज रूम। अमोल की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, अभी के अभी पेंटिंग को नीचे रखो, मुझे बताओ क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। अमोल को शांत करने के लिए ये होमवर्क वर्ड ही काफ़ी था। होमवर्क का नाम सुनते ही वो अपने रूम में चला गया। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेस एंड पेंट्स एंड ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, अ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर, ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप्स, द वर्ल्ड वेयर शी वांटेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली। मंजुला फिर से अपनी ब्रश और कलर के पास आई और वो एक अलग ही दुनिया में खो गई। वो दुनिया रंगों से चमकती हुई दुनिया थी, जहाँ सब कुछ सुंदर था, परफेक्ट था। और ये दुनिया वो दुनिया थी जहाँ मंजुला दिल की गहराई से रहना चाहती थी। नोबडी हैड आस्क्ड मंजुला पारेकर व्हाट शी वांटेड फॉर हर 13th बर्थडे, बट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर। किसी ने मंजुला को नहीं पूछा कि उसको उसके 13th बर्थडे में क्या चाहिए, लेकिन उसे वो सब मिल गया जो उसने मन ही मन चाहा था। ओ मम्मी मम्मी, क्राइड मंजुला ओवरवेल्म्ड, अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स, थैंक यू सो मच।
मंजुला की माँ ने उसे एक सेट आर्टिस्ट वाटर कलर दिया, जिसे देख के मंजुला अभिभूत होकर रोने लगी और बोली, ओ मम्मी मम्मी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर। हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड्स, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। मंजुला जंप्ड इन एक्साइटमेंट, हर डार्क आईज शाइनिंग विद हैप्पीनेस। ओ पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। और ये तुम्हारे पापा की ओर से, ये कहते हुए मंजुला की माँ ने मंजुला के हाथ में एक बुक थमा दी। बुक का नाम था पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। इसे देख के मंजुला खुशी में उछलने लगती हैं। उसकी काली आंखें खुशी से चमकने लगी थीं और वो कहती है, ओ पापा, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट ईदर, सेड हर ब्रदर विथ ए मिस्चीवियस स्माइल, होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल टाइटली रैप्ड एंड नॉटेड। मंजुला आईड इट सस्पिशियसली। एक बड़ा सा पार्सल जो बहुत कस के पैक किया हुआ और गांठों से बंधा हुआ था, उसे हाथ में पकड़े हुए और शैतानी हंसी हंसते हुए उसके भाई ने कहा, तुमने तो इस गिफ्ट के बारे में भी सपने में नहीं सोचा होगा। मंजुला ने इस गिफ्ट के तरफ शक भरी नज़रों से देखा। समटाइम्स शी वाजंट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वाज मिस्चीवियस और सिंपली मीन। कभी कभी उसे समझ में नहीं आता था कि उसका भाई सिर्फ शैतानियाँ ही करता है या जानबूझ के उसे परेशान करना चाहता है। बट ही वुडंट बी मीन ऑन हर बर्थडे। शी बिगेन अनडूइंग द टाइट नॉट्स एंड टुक ऑफ द रैपर ओनली टू फाइंड अनदर नॉट स्टेयरिंग एट हर। लेकिन वो उसके बर्थडे में उसे परेशान नहीं करेगा। वो टाइट गांठों को खोलने लगी और पैकिंग पेपर को हटाने लगी, फिर दूसरी गांठ। शी हेटेड अननॉटिंग पार्सल्स। व्हाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर, ब्रिंग हर द सीजर्स। शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। व्हाई, आस्क्ड अमोल ऑफेंडेड, इजंट इट फन। पार्सल्स खोलने से उसे नफरत थी, क्यों उसके भाई ने उसके साथ ऐसा किया। पीछे से उसको उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी, कैंची लाके दो। अमल अपमानित होके बोला, क्या इसमें मजा नहीं आ रहा। इट वाजंट फन, इट वाज सियर टॉर्चर। तब मंजुला कहती है, नहीं ये कोई फन नहीं है, ये तो पूरा टॉर्चर है। हाउ एवर सी स्ट्रगल्ड ऑन विद द नॉट्स ऑल 11 ऑफ देम। व्हेन फाइनली सी मैनेज टू अनरेवल द लास्ट वन, शी फाउंड अ लिटिल बॉक्स विथ अ स्लिप ऑफ पेपर इन साइड। शी न्यू वाट वुड बी रिटन ऑन इट, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इट वॉज जस्ट लाइक अमोल। लेकिन वो तब तक गांठों के साथ संघर्ष करती रही और उसने 11 गांठें खोल ली। फिर अंत में उसने लास्ट गांठ खोली और उसके अंदर उसे एक छोटा सा बॉक्स मिला, जिसके अंदर एक कागज का स्लिप था। उसे पता था उसमें क्या लिखा हुआ होगा, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अमोल ऐसा ही था। दो ही वॉज ओनली अ ईयर यंगर, समटाइम्स शी फेल्ट 100 ईयर ओल्डर देन हिम। वो मंजुला से सिर्फ एक साल छोटा था, लेकिन उसे लगता था मानो वो अमोल से 100 साल बड़ी है। रीड इट ही अर्ज्ड, इसे पढ़ो, उसने निवेदन किया। She read, look for the next clue under your pillow. Oh no, cried Manjula. उसने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, next clue पिलो के नीचे मिलेगा। मंजुला परेशान होके बोली, और नहीं। But her brother pulled her to her bedroom. He even lifted the pillow for her. And there tied with a pink ribbon lay 3 watercolor brushes. पर उसका भाई उसे खींचते हुए बेडरूम में ले जाता है। उसने मंजुला के लिए पीलो भी उठाया और पीलो के नीचे थी 3 वाटर कलर ब्रश। सेबल हेयर, सेड हर ब्रदर, आर्टिस्ट क्वालिटी। शी स्टडीड द न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर एंड सून यूज्ड अप ऑल हर पेपर। शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर, बट दैट वॉज एक्सपेंसिव। उसके भाई ने कहा, ये सेबल हेयर ब्रश है जो आर्टिस्ट क्वालिटी की हैं। उसने नई बुक को शुरू से अंत तक देखा था और बहुत जल्द ही उसने उसके सारे पेज यूज़ कर लिए, मतलब उसने उन सारे पेजेस में ड्राइंग और कलर कर लिया। मंजुला को पता था
अच्छी वाटर कलर पेंटिंग बनाने के लिए उसे स्पेशल वाटर कलर पेपर लगेगा, लेकिन वो महंगे हैं। मम्मी, सी टोल्ड हर मदर पॉइंटिंग एट द थिन ओबली पेपर, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग्स ऑन रियल वाटर कलर पेपर। व्हाट डू यू थिंक? यू आर राइट, रिप्लाइड हर मदर, बट ओ व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई विल टॉक टू योर पापा टूडे। मंजुला ने अपनी मम्मी को पतले से जर्जर पेपर को दिखाते हुए कहा, मम्मी मैं रियल वाटर कलर में इससे कहीं ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ, आपको क्या लगता है? तुम सही कह रही हो, ये तो एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, तुमने बहुत इम्प्रूव किया है, मैं तुम्हारे पापा से आज बात करूँगी। आफ्टर डिनर व्हेन द चिल्ड्रन वर इन बेड, मिसेस पारेकर स्पोक टू हर हस्बैंड अबाउट मंजुलाज पेंटिंग्स। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज्ड, ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर। विथ हर हार्ट थम्पिंग वाइल्डली, सी टिपटोड टुवर्ड्स द ड्रॉइंग रूम एंड पीप्ड इन। रात के खाने के बाद जब बच्चे सोने चले गए, तब मिसेस पारेकर यानी मंजुला की माँ ने अपने हस्बैंड से मंजुला की पेंटिंग के बारे में बात की। मंजुला को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसके पापा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। उसके पापा कभी उसकी माँ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो धीरे धीरे बिना आवाज़ के ड्राइंग रूम में रूम की ओर जाने लगी और अंदर झांक के देखने लगी। स्मिता, प्लीज सी हार्ड हर फादर से, वाटर कलर पेपर इज एक्सपेंसिव एंड सी वोंट नीड वन ओनली, सी विल नीड डजन्स ऑफ देम। Where will the money come from? It doesn't grow on trees. I know. Her mother's voice was soft and pacifying. उसने सुना उसके पापा कह रहे थे, स्मिता वाटर कलर पेपर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उसको सिर्फ एक पेपर नहीं चाहिए, उसे ऐसे पेपर डजन डजन यानी बहुत सारे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मैं जानती हूँ। उसकी माँ की आवाज़ कोमल और शांत करने वाली थी। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, हर फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज़ शॉट अप, अमोल नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज, दिस कर्टेंस नीड अ चेंज। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली, एंड यू हैवंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, उसके पापा रूम में घूमते हुए कह रहे थे, सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं, अमोल को जूतों की एक नई जोड़ी चाहिए, इन पर्दों को भी बदलना ज़रूरी है। फिर वे रुके और अपनी पत्नी की ओर प्यार से देखते हुए कहा, और तुमने तो लास्ट दिवाली से अभी तक कोई नई साड़ी नहीं ली है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब नोटिस नहीं करता? Her mother turned her face away and whispered, I don't need a sari. I have enough to last me a lifetime. Let's buy her a few seeds to begin with. Smita, Smita, said Mr. Parikar wearily, it's not a matter of few seeds. After watercolors, it will be oils, then canvases, and what not. Why does she want to paint, of all things? Why doesn't she learn something more useful like cooking or stitching? With those hands of hers, she will never become an artist. उसकी मम्मी ने दूसरी ओर मुँह करके धीरे से कहा, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं जिससे मेरा सारा जीवन चल जाए, बल्कि उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ सीड्स खरीद दीजिए। मिस्टर पारेकर टायर्ड होके बोले, ये सिर्फ कुछ सीड्स की बात नहीं है, वाटर कलर्स के बाद ऑयल पेंट्स लगेंगे, फिर कैनवास और फिर ना जाने क्या क्या, इतने सारे कामों में उसे पेंट ही क्यों करना है, वो और कुछ यूज़फुल जैसे खाना बनाना या सिलाई क्यों नहीं सीखती, वो अपने इन हाथों को लेके कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकती। प्लीज़, क्राइड हर मदर, डोंट से दैट एवर अगेन, नेवर, आई टेल यू सी हैज टैलेंट, Maybe we should show her paintings to an authority on art. मंजुला की मम्मी रोते हुए कहती है, ये बात फिर कभी दोबारा मत कहना, कभी नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, उसके अंदर प्रतिभा है, शायद हमें उसकी पेंटिंग को आर्ट अथॉरिटी को दिखाना चाहिए।
मंजुला पारेकर रिटर्न टू हर रूम. सी डिडंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग. सी टोर्ड देम इन टू बिट्स वन बाई वन स्लोली विदाउट शेडिंग अ टीयर. हर क्लॉ लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टेडी. सी बंडल अप द वाटर कलर्स एंड द थ्री ब्रशेस ऑल ऑफ बेस्ट आर्टिस्ट क्वालिटी एंड टक देम अवे इन टू द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ हर कपबोर्ड. मंजुला रूम में वापस आई. आर्ट अथॉरिटी उसकी पेंटिंग्स को देखे. उसने इसका इंतजार नहीं किया. उसने बिना एक बूंद आंसू बहाए धीरे धीरे एक एक करके सारी पेंटिंग्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसमें उसके क्लॉ लाइक हैंड्स थोड़े भी कांपे नहीं. मिस बच्चों, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें क्लियर पता चलता है कि मंजुला कितनी ज़्यादा हर्ट हुई थी. उसने कपबोर्ड के सबसे दूर एक कॉर्नर में अपने वाटर कलर आर्टिस्ट क्वालिटी के तीनों ब्रशे सब को बंडल अप करके रख दिया. मदर, सी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इन टू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग? वाई मंजू? हर मदर लुकड एट हर इन सरप्राइज. वाई मंजू, वाई? सी रिपीटेड ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आईज. बिकॉज, सेड मंजुला इन एज स्टेडी अ वॉयस एज सी कुड मैनेज. Because I think cooking is a useful thing. Manjula Parikar learned to cook, to fry and to bake. She hated it and she ate all she cooked, fried and baked. She hated that the most. दूसरे दिन मंजुला किचन में आके मम्मी से पूछती है, क्या आपको खाना बनाने में कुछ हेल्प चाहिए? उसकी मम्मी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा और पूछा, क्यों मंजू? फिर से उन्होंने पूछा, क्यों मंजू, क्यों? उनकी आंखों में दर्द की एक झलक थी. मंजुला अपने आवाज़ को जितना हो सके उतना स्टेडी रखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कुकिंग एक यूज़फुल थिंग है. अब मंजुला पारेकर ने कुकिंग, फ्राइंग और बेकिंग सब सीख लिया जिन कामों से उसे नफरत थी, और उसने वो सारी चीज़ें खाई जो उसने कुक, बेक या फ्राई की थी, और उसे ये सबसे ज़्यादा नापसंद था. Hey, this curry is real good, mummy, cried Amol. I would like some more. Manjula made it, smiled Mrs. Parikar. Amol कहता है, मम्मी ये सब्जी सचमुच में स्वादिष्ट है, क्या मुझे थोड़ी और मिल सकती है? मिसेस पारेकर खुश होकर कहती हैं, मंजुला ने इसे बनाया है. मंजू, asked her brother, surprised, cooking? When did you take to cooking? I thought you were into painting. I stopped painting, returned Manjula, her eyes on her plate. उसका भाई सरप्राइज होकर कहता है, मंजू और कुकिंग? तुम कुकिंग कब से करने लगी? मैंने तो सोचा था कि तुम पेंटिंग कर रही हो. मंजुला नीचे प्लेट की ओर देखते हुए कहती हैं, मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया है. But why? Amol was shocked. You were so good at it. You must be crazy. Amol, his father scolded him. No such language in this house. ये सुन के अमोल शॉक्ड हो गया. वो कहता है, लेकिन क्यों? तुम तो इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो, क्यों, क्या तुम पागल हो गई हो? फिर उसके पापा अमोल को डांटते हुए कहते हैं, हमारे घर में ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं की जाती है. सॉरी पापा, बट वाई मस्ट सी डू अ डम थिंग लाइक दिस? आई थॉट सी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कम्पिटिशन इन नवम्बर एट माई स्कूल. Why she would have easily bagged the first prize. Hey Manju, he turned to his sister. Why don't you try for me? तब अमोल कहता है, सॉरी पापा, पर वो ऐसे idiotic काम कैसे कर सकती हैं? मैंने सोचा था हमारे स्कूल में नवंबर में जो ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होने वाली है, मंजू उसमें हिस्सा लेगी. वो आराम से उसमें फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी. उसने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा, एक बार तुम मेरे लिए ट्राई क्यों नहीं करती? साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल. नोबडी स्पोक. मंजुला वेटेड, होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर. हर शोल्डर सैग्ड व्हेन मिस्टर पारेकर कैजुअली चेंज द टॉपिक. आई हैव टू गो टू बॉम्बे नाउ, मुंबई नेक्स्ट वीक. देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज. आई विल नीड माई सूट. कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन्ड? डाइनिंग टेबल में सब एकदम से चुप हो गए. कोई कुछ नहीं बोला. मंजुला इंतजार कर रही थी कि उसके पापा कुछ बोले. बच्चों, सैग मतलब लटक जाना, शिथिल हो जाना.
लेकिन शोल्डर सैक्ड होना मतलब निराश होना। मंजुला निराश हो गई जब उसके पापा ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नेक्स्ट वीक बॉम्बे यानी कि मुंबई जाना है। ताज होटल में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे मेरी सूट लगेगी, इसे निकाल के आयरन करके रेडी कर देना। बॉम्बे, थॉट मंजुला पारेकर, शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू, पीपल वेयर डिफरेंट देयर। मंजुला पारेकर सोचने लगी, बॉम्बे बॉम्बे तो वो भी जाना चाहती है, वहाँ के लोग अलग होते हैं। दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वो पहली बार मेरे हाथों को देखेंगे तो आपस में फिसफिसाएंगे नहीं। और गिव हर दैट ड्रेडेड ओ गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक एंड देयर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे। हे भगवान, बेचारी बच्ची टाइप की खूंखार नज़रों से मंजुला को नहीं देखेंगे, और बॉम्बे में तो एक आर्ट कॉलेज भी है। आर्ट, मंजुला पारेकर वॉज थ्रू विथ आर्ट, सी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच। आर्ट, मंजुला पारेकर के पूरे अंदर तक आर्ट था, उसने भलाई के लिए इसे छोड़ दिया था, भले उसे जितनी भी चोट पहुँचे। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड। मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक, मिसेस पारेकर ओपेंड इट बट देन शट इट अगेन। इतनी ही देर में मंजुला को दूर से अपनी माँ की आवाज़ आई, क्या मेरी मदद करोगी। मंजुला ट्रंक उतारने में अपने मम्मी की मदद करती हैं। मिसेस पारेकर उस ट्रंक को खोलती हैं लेकिन फिर बंद कर देती हैं। सी टर्न टू मंजू डेसिसिवली, मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई मदर प्लीज, इंटरप्टेड द गर्ल हर डार्क आईज बर्निंग, डोंट बट मंजू प्लीज मदर प्लीज। और मंजू की ओर मुड़ते हुए दृढ़ता से कहती हैं, मंजू मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन मंजू बीच में ही रोकते हुए कहती हैं, मम्मी प्लीज़, जैसे उसके आंखों से आग निकल रही थी। तब मिसेस पारेकर कहती है, लेकिन मंजू, फिर से उसने कहा, प्लीज़ मम्मी प्लीज़। मिसेस पारेकर ग्रिप्ड हर डॉटर फार्मली बाय द शोल्डर्स एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आईज, हर वॉइस फार्म विद डिटर्मिनेशन। सी सेड, डोंट गिव इन मंजू, देर इज़ सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, लेट इट कम अप, इवन इफ यू हैव टू फाइट 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 मंजू फाइट। मिसेस पारेकर ने मंजुला की कंधों में हाथ रखा और वो उसकी आंखों की ओर सीधा देखने लगती हैं। उनकी आवाज़ में एक डिटर्मिनेशन थी। उन्होंने कहा, मंजू हिम्मत मत हारो, तुम्हारे अंदर इतना कुछ है जो बाकी लड़कियों में नहीं होता है, इसे बाहर आने दो, अगर इसके लिए तुम्हें फाइट भी करनी पड़ती है तो करो, फाइट मंजू फाइट। मंजू'स थ्रोट वॉज थिक विथ टीयर्स, सी टर्नड अवे फ्रॉम हर मदर। मंजू लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली, यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टकल्स, द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम देम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। मंजू का गला आंसुओं के कारण भारी हो चुका था, उसने अपना मुंह घुमा लिया। उसकी माँ धीरे से बोली, मंजू मेरी ओर देखो, तुम्हें कठिनाइयों से मुश्किलों से जीतना सीखना पड़ेगा, कठिनाइयों के ऊपर विजय हासिल करने के लिए इच्छा और शक्ति दोनों तुम्हारे अंदर से यानी अंतरात्मा से ही मिलेगी। मंजुला टर्नड अराउंड इन एंग्विश, स्टॉप प्रीचिंग मदर, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू सी इट इज़ ऑल पापा'स फॉल्ट, सी वॉन्टेड टू से बट डीप इनसाइड सी न्यू इट वॉज नॉट। सी डैश्ड टू हर रूम, flung herself on the bed and buried her face in pillow, but she couldn't cry, the tears just would not come. Manjula gusse mein apna muh ghumate hue kehti hai, updesh dena band karo, ye manjula kehna chahti thi ye sab papa ki galti hai, lekin man ki gehrai se kahin use pata tha ki ye nahi hai, matlab wo agar chahti painting karna nahi chhodti to koi use chhuda nahi sakta tha। वो दौड़ के रूम में चली गई और बिस्तर पे अपने आप को थ्रो करते हुए तकिए से अपने मुंह को ढक लिया, लेकिन वो रो भी नहीं पा रही थी, आंसू भी नहीं आ रहे थे। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइट मंजू फाइट। इन पार्ट टू वी विल सी
इफ मंजू विल फाइट और सी विल गिव अप। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।